हेलो यू क्रेजी फैमिली मेंबर्स आउट देयर, आप लोगों के इस फिल्मी आरा ने आपको प्रॉमिस किया है कि वो आपको रेस 3 से रिलेटेड पल पल की अपडेट देगा। ऐसे में दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें पता चली हैं मुझे रेस 3 के बारे में, चलिए शेयर करता हूँ। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो यही है दोस्तों कि UAE में शूटिंग चल रही है। आपको मैंने बताया था कि अबू धाबी में जो है स्केड्यूल लगा हुआ है, ये जो स्केड्यूल है ये 35 दिनों का स्केड्यूल है। जी हाँ, अबू धाबी में फिल्म 35 दिनों तक शूट होने वाली है। नंबर वन अपडेट। नंबर सेकेंड अपडेट जो है दोस्तों वो है कि अबू धाबी की 6 अलग अलग लोकेशंस में फिल्म को शूट किया जाएगा। सो ऑल यू क्रेजी फैमिली मेंबर्स जो अबू धाबी में रहते हैं या फिर UAE के किसी भी कोने में रहते हैं और एक्सेसिबल हैं, आ सकते हैं वो शूटिंग देखने, तो आप देख सकते हैं भाईजान की शूटिंग कहाँ चल रही है और भाईजान को फोटो वोटो खिंचवा सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट, आर्म फोर्सेज ऑफ UAE प्रोवाइड कर रहा है फिल्म को लॉजिस्टिक एंड इक्विपमेंट्स। और ये UAE है ना, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है भाईजान की। पिछली बार तो UAE की जो सेना है उन्होंने हेल्प करी थी, टाइगर जिंदा है में अपने हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराए थे। ऐसे में अच्छी बात है यार, जब क्योंकि देखिए क्या होता है ना, फिल्मों से ट्रेड अच्छा होता है, कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप्स अच्छा होते हैं और UAE और इंडिया का तो रिलेशनशिप अच्छा है ही। तो ऐसे में मज़ा आएगा देखने में कि रेस 3 में जब UAE आर्म फोर्सेज ऑफ UAE के इक्विपमेंट्स नज़र आएंगे। आप मुझे बताइए आपको ये अपडेट कैसा लगा, क्या आपको ये बातें पता थी? हाँ, जो भी कहना है कमेंट सेक्शन आपके हवाले साथियों, मैं चला लेकिन ज़रूर कमेंट करके बताएं कि कैसे लगे ये पॉइंट्स, कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दें। एंड फॉर मोर फिल्मी अपडेट्स, मैं हूँ राहुल भोज, फिल्मी आरा।